आज मैं आपको बताऊंगा कि माला कैसे करते हैं। जब भी हम माला करते हैं तब क्या बात का ध्यान रखना चाहिए, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले माला जो है उसको हम दो उंगली से पकड़ेंगे। ये फर्स्ट उंगली है वो माला को टच नहीं करनी चाहिए, ये दो उंगली से हमें पकड़ना है। और ये जो पहला मोती है उसको हमें नहीं छांटना है, यानी कि पहले मोती को रहने देना है, दूसरे मोती से चालू करना है और इस तरह से आपको पकड़ना है और मोती पकड़ के बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये एक बार हुआ है, ऐसे आपको फिर दूसरे मोती लेना है, वापस बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ऐसे करके आपको पूरी माला यानी कि 108 बार आपको ये मंत्र का जाप करना है। 108 बार यानी कि एक माला करोगे तो 108 बार आप प्रभु का नाम लोगे, यानी कि पूरा मंत्र 108 बार बोला जाएगा। ये पूरा मंत्र कब पूरा होता है और एक बार सुन लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब आप बताओगे कि आप बोलोगे कि इसका फायदा क्या है। आप एक दिन माला करोगे तो थोड़ा समय लगेगा, पर जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और हर रोज एक माला जप करने लगोगे तब आपका मन शांत होने लगेगा, आपके दिमाग में जो बुरे ख्याल आते हैं वो आना बंद हो जाएगी और प्रभु का नाम जपते रहने से हमारा जो दिल है वो भी साफ हो जाएगा और मन भी साफ हो जाएगा। तो चलो आज से ही आप माला करना शुरू कर दो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो बाकी लोगों को भी ये मैसेज कर दो और फॉरवर्ड कर दो कि उन लोगों को भी पता चले कि माला कैसे करते हैं। थैंक यू।